सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय 311 किलोमीटर के मधेश सहित लोकमार्ग निर्माण करबाक प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ौने बतौलक अछि। मंत्री सरोज कुमार यादव रवि दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क कामकाज में मात्र सीमित ई मार्ग निर्माण के लेल एलाइनमेंट रूट रेखांकन सार्वजनिक करैत जल्दीए मंत्री परिषद से पारित क एकर DPR आ टेंडर प्रक्रिया में ल जेबाक बताओल गेल अछि। हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गको बिचको भूभागलाई लिएर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। स्वाभाविक रूपमा बिचको भूभागमा त सडकहरू होला नि, हामी यसको धेरै चिजहरू जस्तो कि आर्थिक व्यवस्थापन वा आर्थिक हिसाबले कम तपाईँको चाहिने लगानी होस् होइन, त्यो हिसाबले पनि गर्दाखेरि यो बिचको भूभागलाई हामीले समेटेका हौँ। त कतै तपाईँको माटो बाटो हो, कतै तपाईँको चाहिने रेखा परेको मात्रै बाटो होला, ती बाटोहरूलाई समग्र रूपमा हाम्रो सरकारले, मधेस सरकारले, हाम्रो मन्त्रालयले तपाईँको मार्गको रूपमा डबल ल्यान्ड सडक सचिवजी अघि नै भनिसक्नुभयो, डबल ल्यान्ड सडक हामी निर्माण गर्छौँ। मधेस सरकार से एमाले बहरेबाग चर्चा चल रहा बेड में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज यादव गौरव के आयोजना रहल रही तो ऐसे आगू के मंत्री पालिका प्रमुख से बीच बात नहीं मिलला से शुरू होब नहीं सकल कहत आव क्यों नहीं क्यों त हिम्मत कर पड़त आ नहीं हिम्मत कर धैर नहीं हेबाक भेला से स्वयं मधेस के हित के लिए ये निर्माण प्रक्रिया अगाड़ी बराबर लागल हुना कहब छले। मलाई त यसमा पूर्ण विश्वास छ, यो सरकारको निर्माता कार्यक्रममा भएको विषय लामो विषयदेखि लामो समयदेखि चर्चा भएको विषय, तर जुन अहिले हामी एउटा हिम्मत गरेर जुन चाहिँ एलाइनमेन्ट सार्वजनिक गरेका छौँ, यो गरिसकेपछि यसमा तपाईँको चाहिँ मान्छेको जनचासो जनप्रतिनिधिहरूको जनचासो लोकमार्गकै एलाइनमेन्ट सेलेक्सनके लेल DOI ई बिडिङसँग सूचना प्रभागक कन्सल्टेन्ट हायर क 3 एलाइनमेंट बनाब लगा कर तीनों मध्य इकोनॉमिक छोट आ सीधा एलाइनमेंट कार्यान्वयन के लिए मंत्री स्तरीय निर्णय से स्वीकृत भक आ मंत्री परिषद में ल जेबाक तैयारी भ रहल सचिव बताने सलाह। हमें के टोर दिया 3 एलाइनमेंट सिलेक्शन कर त्यसमा बेस्ट एलाइनमेंट एउटा इकोनोमिकल पनि हुनु पर्यो, शॉर्ट टर्म पनि हुनु पर्यो, सीधा पनि हुनु पर्यो, विभिन्न क्राइटेरिया राखेर हामी अध्ययन गराएका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा कन्सल्टेन्टहरूबाट 3 एलाइनमेन्ट यहाँ पेस भयो, त्यसमा बेस्ट एलाइनमेन्ट पनि आइसकेको छ र बेस्ट एलाइनमेन्टको अब आजदेखि आज यो सार्वजनिकरण मन्त्रीजीबाट सदर भइसक्यो, मधेस सरकारबाट पास हुन्छ, पास गरी गरी मुख्यमन्त्रीजी कहाँ नै हामी हिजै अस्ति नै हामी गरिसकेका छौँ। विगतका 2 आर्थिक वर्ष स्वीकृत पाइबोक समेत निर्माण काज अगाडि बढ्न नै सकल। ऊ लोकमार्ग अन्तर्गत विभिन्न रुट कक सप्तरी में 64, सिराहा में 46, धनसा में 30 आ महतरी में 23 किलोमीटर कालो पत्रे सड़क बनत। 2 लेन के ऊ सड़क सरलाही में 51, रोधट में 20, बारा में 36.86 आ परसा में 40 किलोमीटर कालो पत्रे बनत। मंत्री परिषद से स्वीकृत हैत लगते 2,50,00,000 के लागत में मार्ग के DPR तैयार करे के प्रक्रिया शुरू होबाक मंत्रालय जनौलक अछि। कतेको सब एमाले मधेस सरकार में बैशाख 10 गते के उपनिर्वाचन धरि मात्र रहब बुझि लेला से जाय बेर में किछु क